इस पे आपको सभी गाड़ियों का, जैसा अल्टो का फर्स्ट सर्विस का कितना कॉस्ट लगेगा, वैगनर का कितना फर्स्ट सर्विस का कितना कॉस्ट लगता है, थर्ड सर्विस का कितना कॉस्ट लगता है, ये भी इस चैनल पे आने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये आपके सामने आज रहने वाली है मारुति एस्प्रेसो का VXi मॉडल, जो कि टॉप सेलिंग में आता है और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरियंट यही है। तो आज इसके बारे में पूरा फुल डिटेल रिव्यू हम आपको बताएंगे, क्या कुछ माइलेज देती है, कितना प्राइस स्टार्टिंग होती है। और एज फॉर नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो आपकी एस्प्रेसो है इस सेगमेंट में काफ़ी डिमांडेड है और काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। तो आज इसके बारे में पूरा आपको डिटेल बताएंगे कि इसका एक्सटीरियर इंटीरियर में आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये है VXi मॉडल, आपको 5,15,000 रुपये में, सिर्फ 5,15,000 रुपये में दोस्तों ये कार अपने घर ले जा सकते हैं। तो आज इसके बारे में पूरा फुल डिटेल रिव्यू हम आपको बताएंगे। अगर जो इसमें आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है, मैनुअल में लेते हैं VXi मॉडल तो आपको पड़ जाती है 5,15,000 रुपये। अगर जो आप इसे ऑटोमेटिक में चलाना चाहते हैं, जैसा कि क्या होता है, ऑटोमेटिक में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, क्या ट्रैफिक व्राफिक में ऑटोमेटिक चलाने का बात ही अलग रहता है। तो ऑटोमेटिक की प्राइस की बात करते हैं तो 5,65,000 आपको ऑटोमेटिक की प्राइस आपको पड़ जाती है। फीचर से शुरुआत करते हैं तो दिखाते हैं आपको की, तो कुछ इस तरह का इसमें आपको की मिल जाते हैं। बीच में आपको सुजुकी का लोगो यहाँ देखेंगे तो लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, देख सकते हैं आप। अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो जो मारुति जो विटारा ब्रेजा आया करती थी, अब तो 2022 मॉडल में ब्रेजा के नाम से आ गई है, तो जो पुरानी वाली ब्रेजा आया करती थी उसकी ये जो फ्रंट वाला ग्रिल है ना, उससे मैच करता है। वो आप देखेंगे तो काफ़ी बॉक्सी सा शेप यूज किया गया है इसके फ्रंट में। सेंटर में देखेंगे तो बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है और मैड फिन के साथ आपको काफ़ी बड़ा सा बम्पर्स ऑफर किया गया है। अगर जब लुक वाइज बात करते हैं तो काफ़ी मस्त लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ काफ़ी ऊंचा फील आता है इसमें। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेगुलर वाला हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। तो ये रहा इसका फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ देखेंगे तो ट्विन हुक भी ऑफर किए गए हैं। अब ये जो एस्प्रेसो है दोस्तों, जब ड्राइव करते हैं तो काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी अच्छा लगता है इसे चलाने में। तो ये रहा इसका ऑलमोस्ट फ्रंट प्रोफाइल। अगले चलते हैं आपको इसके साइड प्रोफाइल में दिखाते हैं, साइड प्रोफाइल में क्या क्या ऑफर किया गया है। तो ये रहा एस्प्रेसो का साइड प्रोफाइल। साइड से भी देखेंगे तो जैसा SUV जैसी फीलिंग आती है इसमें। साइड में दिखाते हैं क्या क्या ऑफर किया गया है। साइड में अगर जो टायर साइज की बात करते हैं तो 160/70 R14 inch के आपको स्टील रिम मिल जाते हैं, आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको फेंडर पे ही इंडिकेटर्स मिल जाता है। और ऊपर देखेंगे तो आपको ब्लैक कलर के साथ आपको वायरिंग्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मल एंटीना ऑफर किया गया है। तो ये रहा एस्प्रेसो का साइड प्रोफाइल। 5 से लेकर 6 लाख के बीच में कोई फैमिली कार चाहते हैं तो आप इस एस्प्रेसो की तरफ जा सकते हैं, और फिलहाल के लिए SUV जैसी फीलिंग आपको ये देती है। अब आ जाते हैं इसके रियर में। रियर में दिखाते हैं क्या क्या ऑफर, क्या कुछ ऑफर किया गया है। रियर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3D में पहला नंबर एस्प्रेसो लिखा गया है, बीच में सुजुकी का लोगो। VXi मॉडल में आपको वाइपर्स डिफोगर्स नहीं मिलता है, हाई माउंट और स्टॉप लैंप आपको ऑफर किए गए हैं ऊपर देखेंगे। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का बम्पर्स मिल जाता है और टोइन हुक भी ऑफर किया गया है, देख सकते हैं आप। 2 पॉइंट रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाता है। यहाँ काफ़ी स्टाइलिश आपको टेल लैंप ऑफर किए गए हैं, जो कि आपको यहाँ देखेंगे इंडिकेटर्स दिया गया है, ये रिवर्स लैंप हो गया, ब्रेक मारेंगे तो ये लाइट जलेगी। और इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो 32 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, और रियर से भी काफ़ी अच्छा लुक आपको देखने को मिलता है। तो ये रहा इसका कुछ एक्सटीरियर प्रोफाइल, देख लीजिए आप। अब ये जो एस्प्रेसो है अपने सेगमेंट है, काफ़ी बढ़िया इसकी मार्केट वैल्यू है। अगर जो इसके ऊपर की बात करते हैं भाई, इसके ऊपर की बात करते हैं तो पहले सेलेरियो आ जाती है, फिर वैगनार आ जाती है, उसके नीचे आपको अल्टो का ऑफर किया गया है। तो चलते हैं आपको इसका इंटीरियर प्रोफाइल दिखाते हैं। तो हम आ गए हैं इसके इंटीरियर प्रोफाइल में। अगर जो इंटीरियर प्रोफाइल में डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिल जाता है, यहाँ से आप डोर को ऑपरेट कर सकते हैं, बोटर होल्डर और पेपर होल्डर्स मिल जाते हैं, और यहीं से आप ORVM को मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो मैट फिनिश के साथ आपको AC वेंट्स मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो इंजन आइडल पोजीशन वाली बटन्स दी गई है, हेडलैम्प कंट्रोल्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, और बोनेट खोलने का ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है, यहाँ पे आपको पॉकेट रखने का ऑप्शन मिल जाता है।
अगर जो स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो आपको नॉर्मल से स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, बीच में आपको सुजुकी का लोगो। टोटल आपको टू एयरबैग्स मिल जाते हैं, एक ड्राइवर साइड एक पैसेंजर साइड आपको एयरबैग्स मिल जाता है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह इसका स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। और यहाँ देखेंगे तो आपको कोई भी टिकट होल्डर्स नहीं मिल जाता है। पैसेंजर साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको कोई भी टिकट होल्डर्स आपको ऑफर नहीं किया गया है इसमें। और यहाँ देखेंगे तो मैनुअल आईआरवेंस मिल जाते हैं, हैलोजन लाइट्स आपको ऑफर किया गया है। अब आ जाते हैं इसके सेंटर कंसोल में, तो सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको MID मिल जाती है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, टेकोमीटर मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो कुछ इस तरह का इसमें आपको MID मिल जाती है छोटी सी डिस्प्ले के साथ। आप यहीं से गाड़ी की फ्यूल ट्रिप ट्रिपिट गाड़ी की माइलेज ट्रिप ट्रिप भी फ्यूल वूल आप यहां से चेक कर सकते हैं। यहां देखेंगे तो आपको स्पीड पता चलेगा और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको टू स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको छोटी सी डिस्प्ले दी गई है, जो आप FM या वैल्यूम बढ़ाएंगे तो आप यहाँ से शो होता रहेगा आपको। सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें आपको गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप ए ट्रिप भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। टू स्पीकर वाला आपको मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, काफ़ी सारे बटन्स दिए गए हैं, जैसा कि मोड ओड्स आपको चेंज करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। फ़ोन उठाने का काटने का यहाँ पे देखेंगे तो म्यूट करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, हज़ार लाइट ऑन करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यहीं से आपको एस्प्रेसो के VXI मॉडल में फ्रंट में ही पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है, रियर में आपको पावर विंडो का ऑप्शंस नहीं मिलता है, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं आप यहीं से मिरर को अप डाउन कर सकते हैं। और बात करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बटन दिए गए हैं, जैसा कि मेनू में जाना है तो आप यहीं से आप जा सकते हैं। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलते, आपको मैनुअल AC मिल जाता है, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है यहाँ पे, और यहाँ से आप इसे AC को ऑपरेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्टोरेज दिया, यहाँ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, टू पॉइंट का फोल्डर्स मिल जाते हैं, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स मिल जाता है, आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मल सा आपको हैंडब्रेक मिल जाता है, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा गियर नॉब का आपको ऑफर किया गया है। बस एक चीज़ है, थोड़ा जो फिनिश है यहाँ थोड़ा जो आता है ना स्टिकर वाला, वो यहाँ लग जाए तो और बेटर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ग्लव बॉक्स चेक करवा देते हैं तो काफ़ी अच्छा ग्लव बॉक्स आपको ऑफर किया गया है, वहाँ पे भी आपको ऐसे इवेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ एयरबैग की बेजिंग दी गई है। अगर जो डैशबोर्ड की बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा सा आपको डैशबोर्ड ऑफर किया गया है। अब जो आप मान के चलिए जब 5,15,000 रुपये जब एक्स शोरूम प्राइस दे रहे हैं, प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेस्ट फीचर आपको इसमें ऑफर किया गया है। यही अगर जो आप सैलरियों में चले जाते हैं इसके VXI मॉडल में तो ऐसा कुछ आपको फीचर नहीं देखने को मिलता है, पर एस्प्रेसो जो VXI मॉडल है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है और काफ़ी डिमांडेड है ये वेरियंट। तो ये रहा कुछ इसका फ्रंट इंटीरियर प्रोफाइल, अब ले चलते हैं आपको इसका रियर स्पेस चेक करवा देते हैं, आपको कितना लेग रूम और कितना हेड रूम ऑफर किया गया है इस एस्प्रेसो में। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको इसका रियर स्पेस, तो कर लेते हैं हम अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट सीट को, हो गई है। अब आपको ले चलते हैं इसका रियर स्पेस चेक करवा देते। तो ये रहा इसका रियर डोर, देख सकते हैं आप मैड फिनिश के साथ आपको डोर ओपनर्स, डोर को ऑपरेट करने के ऑप्शंस, और यहीं से मिरर को आप अप डाउन कर सकते हैं मैनुअल। और यहाँ देखेंगे तो कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर प्रोफाइल है, चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलता है, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलते हैं। अगर जो स्पेस के मामले में बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा खासा आपको लेग रूम मिल जाता है, काफ़ी अच्छा खासा आपको हेडरूम मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्रेबेंडर्स भी ऑफर किए गए हैं, बस एक चीज़ की कमी है, यहाँ मारुति के द्वारा अगर जो यहाँ पे आपको रूम लाइट मिल जाता तो गाड़ी में चार लग जाते हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज दिए गए हैं। ये रहा इसका रियर से फ्रंट प्रोफाइल, देख लीजिए आप। अब आपको ले चलते हैं इसका बोट स्पेस चेक करवाते हैं, आपको इसमें बोट स्पेस कितने लीटर्स का मिलता है। तो ये रहा इसका ओवरऑल रियर प्रोफाइल, अब आपको ले चलते हैं इसका बूट स्पेस चेक करवा देते हैं। आप यहाँ से आप की डाल के इसे खोलेंगे तो यहाँ देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको बूट स्पेस मिल जाता है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी हाइलोजन लाइट ऑफर नहीं किया गया है। इस पर टायर की बात करेंगे, बाकी चारों टायरों से सेम साइज आपको इसका स्टील रिम मिल जाता है।
अब आपको चेक करवा देते हैं इसका इंजन स्पेक्स, आपको इसमें इंजन कौन सा ऑफर किया गया है। काफ़ी अच्छा माइलेज आपको दे देती है, यहाँ से आप इसका बोनेट खोल सकते हैं। एक ही इंजन आता है 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन। तो दोस्तों इसमें आपको 1.0 लीटर का थ्री सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 65 HP की पावर। टॉर्क की बात करते हैं तो 89 Nm का टॉर्क निकालता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी 27 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। और सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ मारुति सुजुकी अरीना अर्बिट वालों को, जिन्होंने हमें एस्प्रेसो का वीडियो बनाने के लिए दिया, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पड़ता है हमारे सिद्धार्थ नगर बांसी में, आप यहाँ पे आके दोस्तों विजिट कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे कैश डिस्काउंट का ऑप्शन और सभी गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये रहा एस्प्रेसो का एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पे आपको सभी गाड़ियों का, जैसा अल्टो का फर्स्ट सर्विस का कितना कॉस्ट लगेगा, वैगनर का कितना फर्स्ट सर्विस का कितना कॉस्ट लगता है, थर्ड सर्विस का कितना कॉस्ट लगता है, ये भी इस चैनल पे आने वाला है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल दोस्तों, और हमारे चैनल के मेम्बर बने रहें।